लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बढ़ती महंगाई को रोकने और जीवन आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को घटाने की मांग के साथ आज बहुजन मुक्ति पार्टी ने बेलापुर के कोकण भवन मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। महंगाई घटाओ या कुर्सी खाली करो और राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बहुजन मुक्ति पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि लॉकडाउन की आर्थिक तंगी के बीच जनता परेशान है, लेकिन दोनों ही सरकारें हैं कि महंगाई घटाने को लेकर गंभीर नहीं दिख रही। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। अरे कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। अरे किसानों के सम्मान में, अरे किसानों के सम्मान में, अरे ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। अरे ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। अरे ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। अरे कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया? कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया? अरे वाले सरकार ने रखे बीजेपी कांग्रेस। कोरोना लॉकडाउन से पैदा हुई आर्थिक तंगी के बीच तेजी से बढ़ रही महंगाई ने आम जनता की मुसीबत और बढ़ा दी है। डीजल पेट्रोल की बढ़ी कीमतों के कारण जीवन आवश्यक वस्तुओं के रेट भी आसमान छूने लगे हैं। आज इन्हीं मुद्दों को लेकर बहुजन मुक्ति पार्टी ने तमाम संगठनों के साथ बेलापुर के कोकण भवन मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष राजेश कांबले और युवा अध्यक्ष विनोद इंगले ने कहा कि राज्य और केंद्र की सरकार जनता की मुसीबत को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने ईंधन की बड़ी कीमतों को रोल बैक करने, महंगाई रोकने और जीवन आवश्यक वस्तुओं की दर घटाने की मांग की। इस संदर्भ में पदाधिकारियों ने कोकण आयुक्त को मांगों का निवेदन देने के बाद क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। पेट्रोलचा दर वाढ झाल्यामुळे गाड्यांना धक्का मारण्याचं आंदोलन आम्ही आज या ठिकाणी करत आहोत आणि हे आंदोलन बहुजन मुक्ती पार्टी युवा आघाडी आणि बहुजन मुक्ती पार्टी महिला आघाडीच्या वतीने या ठिकाणी हा आंदोलनाचा कार्यक्रम आहे। बीजेपी आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचा आणि रुलिंग पार्टी आणि ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी काँग्रेस या दोघांचा आम्ही या ठिकाणी जाहीरप्रमाणे निषेध करतो आणि ज्या पद्धतीने काँग्रेसचं सरकार असताना महागाईच्या विरोधामध्ये बीजेपीने 2014 आधी 2013 आणि 14 या वर्षी खूप मोठ्या प्रमाणात महागाईच्या विरोधामध्ये आंदोलन केलं आणि महागाईच्या विरोधात आंदोलन करून सत्तेमध्ये आले आणि सत्तेमध्ये आल्याच्या नंतर त्यांनी काँग्रेसपेक्षा दुप्पट भाव या देशामध्ये वाढवून ठेवलेला आहे। मी बीजेपीचा विरोध करतो याचा अर्थ असं नाही की आम्ही काँग्रेसचं समर्थन करतो, म्हणून आमचा काँग्रेसला पण विरोध आहे आणि बीजेपीचा पण विरोध आहे। तर अशा प्रकारे संसद भवनमध्ये, राज्यसभेमध्ये असो किंवा लोकसभेमध्ये असो, जे बहुजन समाजातून निवडून गेलेले जे खासदार आहेत, जे आमदार आहेत, त्यांचं देखील आम्ही या ठिकाणी निषेध करतो, कारण की हे लोक बहुजनांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी तिथे गेलेले आहेत परंतु बहुजनांच्या समर्थनामध्ये कसलाही आवाज उठलत नाही आहे। तर या ठिकाणी बहुजन मुक्ती पार्टी, तुम्ही जर संसद भवनमध्ये आवाज उचलत नसाल तर बहुजन मुक्ती पार्टी रस्त्यावरती आवाज उचलू आणि तुम्हाला महागाई दर कमी करण्यासाठी भाग पाडू। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।